सूरीपा जी इन्वाइट किए, गाना मुझे भेजे थे, शेयर किए थे, गाना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जैसे कि एक रियल लाइफ की स्टोरी से रिलेटेड है और मोटिवेशनल गाना है। लोग टूट जाते हैं, अगर टूट जाते हैं तो फिर उम्मीद हार जाते हैं, पर ये गाना, जैसे कि मेरा भी एक सॉन्ग आया था बदनाम, वो भी मेरी रियल लाइफ के ऊपर था, तो इसलिए मुझे रियल लाइफ की स्टोरी के ऊपर जो बेस्ड सॉन्ग्स रहते हैं मुझे बहुत पसंद है। तो ये गाना भी, लिरिक्स भी बहुत अच्छे और मैम ने एक्ट भी बहुत अच्छा किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। दे मेड मी सो इमोशनल, दिस वन तो मेड मी रियलाइज माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ही हैज बीन विद मी फॉर लाइक 4 इयर्स नाउ एंड ही सेड, करिश्मा रिमेंबर दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज हाउ इट वाज। I naturally ended up feeling so emotional and Mehul is constantly speaking behind. It was, मुझे पता ही नहीं था director काम क्या करता है। I told him, पहली बार मुझे बहुत बुरा लग रहा है actors के लिए, इतना time लगता है, मुझे नहीं पता था यार। 12 घंटे बाद गाना देखा, मैंने कहा ये 3 मिनट में खत्म हो गया, 2 दिन तक तुम लोगों ने काम करवाया। So it was beautiful. The experience was very different. अभी तक तो ऐसा कुछ planning नहीं, मैं first time मिल रहा हूँ, अभी तक का ऐसा कुछ planning है नहीं, पर इंशाल्लाह देखते आगे क्या होता है। Yes. मेरे छोटे भाई का आने वाला है परसों, उसका बर्थडे है अब्दुल रहमान का, तो उसका परसों एक सॉन्ग आने वाला है। और उसके बाद नहीं, वो ऐसी रैप सॉन्ग है, उसके बाद एक और सॉन्ग है, वो अभी अनाउंस नहीं किया उसकी डेट। उसमें पूरी टीम 07 है मेरी, और दुबई गए थे हम लोग घूमने, सब 5 जन साथ में थे, तो वहाँ पे एक दिन का टाइम मिल गया था, तो मैं उस चीज को यूटिलाइज कर लिया, जगह पे मैं सब कैमरा मैन सब चीज का हमारा जो गाना रहा वो भी बता दे साथ में, जो छोड़ रंग लगाया तूने, नहीं दूसरा गाना अभी आधा हाँ, है। हाँ, तो अभी एक और बहुत सारी चीजें लाइनअप है, अभी सूरीपा जी एक और चीज के लिए बुलाए, अभी देखते हैं। सूरीपा जी आओ तो सही, आप तो आओ इधर, सूरीपा जी आइए, इनके बारे में बताना चाहूंगा, इन्होंने इस गाने में कैमियो किया है बिजनेस टाइकून का, जैसा डील का आपने देखा होगा, ऐसे कैच किए, ऐसे ऐसे कैच किए बॉटल, और इनके देखना बहुत भारी कैच किए इनके वीडियो में हमेशा एक कैच होता है, आप देखिए इन्होंने बॉटल कैच किया है। रीजन तो बता दो बॉटल कैच का, क्योंकि महंगी थी ना बॉटल, कौन मेरा था, मैं घर से लाया था बॉटल, कॉन्सेप्ट ये था कि बॉटल फोड़नी थी, तो बोला फोड़ मत भाई 2000 की बॉटल।